गिरे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, गिरे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, गिरे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी जमीन से महकते गुलाब पैदा कर, गिरे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी जमीन से महकते गुलाब पैदा कर, तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। कुछ कुछ ऐसा कहना चाहते हमारे ये शहीद, हमारे ये शहीद कुछ ये कहना चाहते हैं। और आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस पोएट्री के इवेंट में, जिसका हमने नाम दिया है अभिव्यक्ति द पोएट्री, दिल के तार खोलो कविताओं में बोलो। खास बात ये है कि यहाँ ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ मैं कि मैं युवा जो हूँ, एक युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग किसी के दिल की आंख के लिए नहीं धड़कता, दिल धड़कता है इस भगत सिंह के लिए भी, और हमारा दिल धड़कता है भगत सिंह के लिए भी। वो कुछ कहना चाहता हूँ फिर, क्यों चुप बैठे हो खुद में, क्यों चुप बैठे हो खुद में, अब बोल पड़ो जो राग है, क्यों चुप बैठे हो खुद में, अब बोल पड़ो जो राग, दुनिया को भी पता चले कि तुम में कितनी आग है, क्यों चुप बैठे हो खुद में, अब बोल पड़ो जो राग है, दुनिया को भी पता चले कि तुम में कितनी आग है, दिल के तारों को खोलो और अरमानों में डोल पड़ो, दिल के तारों को खोलो और अरमानों में डोल पड़ो, यादों की यूं निधि सजाओ और यादों की यूं निधि, दिल के तारों को खोलो और अरमानों में डोल पड़ो, यादों की यूं निधि सजाओ अरमानों में डोल पड़ो, लिखो लिखो नहीं वो धुन, लिखो नहीं वो धुन, लिखो नहीं वो धुन, क्रांत से निकली जिसकी साज है, लिखो नहीं वो धुन, क्रांत से निकली जिसकी साज है, पता चले एक युवा की क्या आवाज है, दुनिया को भी पता चले एक युवा की क्या आवाज है। एक लाइन मेरे जहन में तुरंत उभर के आ गई है, या तो लड़ लो यूं ही आग लगाने में, या तो लड़ लो यूं ही आग लगाने में, या तो जला दो खुद को आग बुझाने में। छवि मेरे ध्यान में आती तो मुझे अपनी एक लाइन याद आती है कि खामोश हो जो मैं अगर खामोश रहने दो मुझे, खामोश हूँ जो मैं अगर खामोश रहने दो मुझे, हयात सीने में बहुत बोलूं तो सब जल जाओगे, अगर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, बिकने पे दर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, ना बिकने का इरादा तो कीमत और पड़ती है। एक और है कि एक आंसू ही जमाने के लिए काफी है, एक आंसू ही जमाने के लिए काफी है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, बस कुछ यही युवा की पहचान रहती है, बात होती है समझने की नहीं चलते की। भगत सिंह ने लिखा है कि इश्क इंसान को इश्क इंसान को ऊपर उठाता है, बशर्ते इश्क इश्क को, ठीक है। और एक बात है, धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ऐसे कितने हैं दुनिया में आज जिनको शोहरत कलम से मिलती है। सीने में बिस्मिल है, युवा है हम है सोच नहीं, और भगत हमारे दिल में है, मंगल पांडे से हिम्मत है और सीने में बिस्मिल है इतिहास अमर अपना, है इतिहास अमर अपना, अब चलो भविष्य बनाते हैं, आओ मिल सपनों के सागर, आओ मिल सपनों के भारत का संकल्प उठाते हैं, आओ मिल सपनों के भारत का संकल्प उठाते हैं, आओ मिल सपनों के भारत का संकल्प उठाते हैं। ये मैंने लिख रखा है आज हमारी पोएट्री जो थी अभिव्यक्ति द पोएट्री, इसकी टैग लाइन है दिल के तार खोलो कविताओं में बोलो। आज बस मैं ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि हमारा दिल बस किसी की आंखों के लिए नहीं धड़कता है, अगर आपने हमारा पोस्टर देखा हो तो भी पता चलेगा हमारा दिल धड़कता है तो भगत सिंह के लिए, ठीक है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मैं आग फिर से लिखा हूँ, एक आग गाना चाहता हूँ, थोड़ी सी वर्डिंग्स कड़ी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, इसको सुनिएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, ये गत्य भी है जानते ना सत्य, आपको पता चल जाएगा मैं किसके लिए कह रहा हूँ। राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, ये गत्य भी है जानते ना सत्य भी पहचानते ना है सब सही, इनके लिए ये बुरा कुछ भी मानते ना, घोटाले स्कैम तो इनकी पहचान है, काले धन को सजोना तो इनका मुख्य काम है, वोटों की भूख इनको नोटों की प्यास है, गुंडों की टोली है चमचों का साथ। राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, ये गत्य भी है जानते ना सत्य भी पहचानते ना है सब सही, इनके लिए बुरा कुछ भी मानते ना, घोटाले स्कैम तो इनकी पहचान है, काले धन को सजोना तो इनका मुख्य काम है, वोटों की भूख इनको नोटों की प्यास है, गुंडों की टोली है चमचों का साथ है। माँ भारती जो सोना थी चिड़िया बची है,
मत हार थी जो सोना थी चिड़िया बची है, मोती तो झड़ के सारे लड़िया बची है, पंख भी ना बचने पाए इनका ये कर्तव्य है, राम नाम सत्य है इनका क्या गत्य है, इनका क्या गत्य है इनका क्या। मेरी कलम मेरी जज्बातों से इतनी वाकिफ है कि मैं जब इश्क लिखना चाहता हूँ तो इंकलाब लिख जाता हूँ। ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा है। मैं एक समापन करना चाहता हूँ आपकी एक अपनी सबसे प्यारी कविता सुना करके जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और मैंने सुनाई थी, सुनिएगा। ये मेरी सोच है, अनुभव यहाँ गा नहीं सकते, कहीं और गाएंगे। तो ये मेरी सोच है, मैं सुनाता हूँ। है ताज लालसा हमें नहीं और राज की आशा हमें नहीं, है ताज लालसा हमें नहीं और राज की आशा हमें नहीं, है ताज लालसा हमें नहीं और राज की आशा हमें नहीं, सरताज नहीं बनना हमको, मुमताज की इच्छा हमें नहीं, इतिहास बदल सकते हैं हम आजाद की आशा रखते हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं, बदलाव की आशा रखते हैं, स्वराज की आशा रखते हैं, आजाद की आशा रखते हैं।